TV9 भारतवर्ष के कमर अब्बास साहब, इस तरीके से राष्ट्रवादी वक्ताओं के साथ भेदभाव करना ठीक नहीं है। वो वहां पर फाजिल अहमद बैठकर इतनी सांप्रदायिक बातें कर रहा था, हिंदुओं को इतना कोस रहा था कि ये दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, मूछ नहीं रखने देते हैं, और तमाम तरह की बातें बढ़िया मजे से आप सुन रहे थे। अरे उस फाजिल अहमद से ये पूछो कि तैमूर लंग ने दिल्ली में घुसकर पूरी दिल्ली का कत्लेआम कर दिया, हिंदू लड़कियों को ले जाकर अफगानिस्तान के बाजार में बेच दिया, इन आक्रांताओं ने 5000 से ज्यादा मंदिर देश के तोड़ दिए, उन पर यह चर्चा नहीं करेगा, यह बताएगा कि दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है जी। पाकिस्तान बनाया इस्लामिक कंट्री, हिंदुओं को दोयम दर्जा है, वहां पर सिर्फ स्वीपर की पोस्ट हिंदुओं के लिए निकाली जाती है, वो भी दलित है, उसके कुछ बोलो फाजिल अहमद, पता नहीं किसने फाजिल अहमद और कंवर अब्बास साहब पूरा आपने मौका दिया उसे, हिंदुओं को गरियाने का पूरा मौका दिया। वो आयशा वाली एक लड़की बैठी थी, वो बता रही है कि जी ये गलत है, वो एक लड़की के पीछे 100 लड़के भाग रहे हैं। मैं जब इसका प्रतिकार कर रहा हूं कि ये बताइए क्या उन लड़कों ने किस उस लड़की को स्पर्श तक किया, एक कंकर तक मारा, शांतिपूर्वक केवल राम का नाम लिया, किसी ने उसे मारा नहीं, किसी ने उसे स्पर्श नहीं किया, किसी ने उसे धमकी नहीं दी। 100 हिंदू लड़कों के बीच से एक मुस्लिम लड़की अल्लाह अकबर बोलती हुई चुपचाप सुरक्षित चली गई, क्या उन लड़कों की तारीफ नहीं करनी चाहिए? क्या हिंदुओं की उदारता की तारीफ नहीं करनी चाहिए? अब जब मैं यही बात कह रहा हूं तो आप भड़क गए, मुझे बताइए ना उन लड़कों ने क्या गलत किया। जावेद अख्तर भी ये कह रहे हैं क्या ये यही मर्दानगी है उन लड़कों की, तो यही मर्दानगी तो है, क्या बांग्लादेश की तरह बलात्कार कर दें, पाकिस्तान की तरह बलात्कार कर दें, लड़कियों को ले जाकर अफगानिस्तान के बाजार में बेच दें, ये मर्दानगी होती है? उन हिंदू लड़कियों लड़कों ने मर्दानगी दिखाई और उस मुस्लिम लड़की को जाने दे, अल्लाह अकबर बोल रही, चली गई सुरक्षित, यही तो असली मर्दानगी है। और ये आयशा वाले, मुझे ये बताओ, वैसे तो सिंदूर और मंगलसूत्र में आपको नारी की गुलामी दिखाई देती है, अभी बुरखे में आपको नारी की स्वतंत्रता दिखाई देती है, अरे क्या गलत कहा मैंने भाई? क्यों मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया? 10 सेकंड तक आप मुझे झेल नहीं पाए, शो में बुलाया था, मेरे विचार सुन तो लेते, क्या गलत कहा मैंने? पहले हिजाब फिर किताब। अरे भैया पहले हिजाब और फिर किताब के कारण ही तो ये हुआ है कि इन लोगों को ये तक नहीं पता, अभी हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी लगा रहे हैं, क्या गलत कहा मैंने? यदि पहले किताब और फिर हिजाब करते तो देश का कानून तो पता होता कि भैया जब तक लोअर कोर्ट से फैसला नहीं आ जाएगा तब तक आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, और हाई कोर्ट से फैसला नहीं है तब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। राष्ट्रवादी वक्ताओं को बुलाते हो तो सुनने का धैर्य भी रखा करो कमर अब्बास भाई,